वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा अभी बिहार में शिक्षक बहाली जो चल रही है उसका TRE 2.0 के मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। इसमें मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको 0 रुपये फी में कोई भी ब्रांडेड यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे पैड कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं उसके बगैर आपको यहाँ पे एग्जाम क्लियर करवाने की मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। ये जो भी मतलब सिलेबस वाइज आपका सिलेबस दिया गया है इस सारे मास्टर के बहाली के लिए मैं सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो साइंस हो, SST हो या मैथ हो, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। बस थोड़ा धीरे धीरे टाइम ले दीजिए, मैं सब कुछ कराऊंगा। जैसे कि अभी पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का जो क्लास चल रहा है इसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास दे दिए हैं, जिसमें क्लास 6 का क्लास 7 का बुक्स मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो में जो होने वाला है इसमें हम क्लास 8 का, जैसे ही नीचे आइएगा यहाँ पे जो ये PDF मैंने बनाया है यहाँ पे क्लास 8 के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे क्लास 6 और क्लास 7 हम आपको पढ़ा दिए थे, तो आज जो वीडियो होने वाला है सिविक्स का, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, क्लास 8 का हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको ही केवल डिस्कस करता हूँ ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी से देखने को मिले। ठीक है, तो इसमें अगर देखिएगा क्लास 8 का जब सिविक्स खोलिएगा तो उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 8 है। ये SH क्लासेज यानी मेरे द्वारा ये तैयार किया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका का नोट्स होने वाला है। इसमें टोटल 8 चैप्टर को देखिए तो यहाँ पे इंडेक्स मैंने बना दिया है बहुत बेहतरीन तरीका से, भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और सो ऑन आगे यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस पे क्या कुछ दिया गया है। ठीक है, हो सकता है कल परसों तक आपका यहाँ पे इस सिविक्स जो था 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे जैसे बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं मैथ पढ़ाने के लिए मैथ पढ़ाऊंगा या 11-12 की ओर आगे जाऊँ, ऐसे आप लोग ही बताइएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं। पहला चैप्टर आता है भारतीय संविधान। देखिए ये जो नोट्स बनाया गया है इसमें टू द पॉइंट क्लास, जो भी क्लास हम उठा रहे हैं जो बुक्स में दिया गया है, जैसे मान चलिए आज का जो क्लास हो रहा है ये क्लास 8 का हो रहा है, तो क्लास 8 में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है मैं केवल उसको ही इसमें ऐड किया हूँ। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा जगहों से कंटेंट उठाया और भर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा होगा तो मैं अलग सेपरेट एक PDF बना दूंगा या वीडियो बना दूंगा जिसमें अलग से जितना भी चीज़ होगी आपको समझ हो, लेकिन ये जो सीरीज फॉलो हो रही है केवल और केवल टू द पॉइंट बुक से हो रही हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, पहला चैप्टर है क्लास 8 का जिसमें है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो पारित हुआ था उसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से कोई विद्यालय मना नहीं कर सकता है। ये चीज याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये बोलता है कि सबको 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। इस नियम के तहत, अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 से 5 तक के विद्यालयों में जो छात्र एवं शिक्षक अनुपात होना चाहिए वो 30:1 होना चाहिए। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ये CTET वगैरह में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, चाहे KVS कोई भी मतलब शिक्षक वाला एग्जाम दीजिए उसमें पूछता है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 30:1 होना चाहिए। यहाँ पे आता है स्पेशल विद्यालय के लिए और हायर अपर लेवल के लिए, तो वहाँ पे ये चीजें चेंज हो जाती है, ये चीज भी याद रखिए आप लोग। अगला जो पॉइंट इसमें बन रहा है कि 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की मांग रखी थी। कब? 1920 में ही ये चीज हुआ था कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। अगला आता है यहाँ पे कि 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारतीय संविधान की नई रूपरेखा रखी है। कब? 1928 ईस्वी की बातें हो रही है। उसके बाद है यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे जिसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी को यहाँ पे चुना गया था, ये चीज भी आपको जानकारी होना चाहिए। जो संविधान सभा का दोस्तों कभी पूछ देता है कि निर्माण कार्य कब से कार्य शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा वो डेट है 9 जनवरी 1946 में संविधान बनाने का कार्य यहां पे शुरू किया गया था। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद निकलकर यहां पे सामने चीजें आती हैं कि संविधान सभा में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था जिसके अंतरिम अध्यक्ष या अस्थाई अध्यक्ष दोनों याद रखिएगा, या तो यहाँ पे दिया गया है अंतरिम अध्यक्ष या अस्थाई सदस्य जो बनाया गया है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए। बाद में जो मतलब अध्यक्ष थे वो जो मतलब परमानेंट अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
अगला जो पॉइंट दिया गया इसमें कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने 2009 बताया उसके तहत हर 3 किलोमीटर पर कम से कम जो मिडिल स्कूल होते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक होना अनिवार्य है, जरूरी है। खैर अब के सिनारियों में तो ये बिल्कुल चेंज हो गया है, अब हर 3 किलोमीटर पर आपको हाई स्कूल देखने का ये नियम बना दिया गया है, जो कि ये मतलब यहाँ पे था कि 3 किलोमीटर कम से कम एक स्कूल होना चाहिए जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक हो। ठीक, तो यही था आपका चैप्टर नंबर 1 में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो दिया गया है मित्रों आपका धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, इसमें बस नॉर्मल बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता किसको बोलते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता जो चीज है, सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आजादी है, राज्य के आगे सभी धर्म सम्मान है, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है। आपको पता होना चाहिए राज्य नहीं देश है, ये मान लीजिए देश है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। जैसे कि देखिए भारत में 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी भी रहते हैं भारत में, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है कि मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में है जिसे 6 भागों में बांटा गया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 में, जो कि आपका मुख्य रूप से यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं, इसका नाम है चैप्टर नंबर 3 का आपका कि संसदीय सरकार लोग तथा प्रतिनिधित्व, जो यहाँ पे संसदीय सरकार के बारे में एक्चुअल बातें किया गया है। आपको पता होगा जो भारतीय संसद है, यहाँ पे संसद 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा यहाँ पे देखिए दिया गया है, पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 3 चीजें यहाँ पे होती है। कहीं मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, जैसे ही आपका बीपीएससी का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद डिटेल आपका जीके जैसे क्लास स्टार्ट होगा उसमें बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ाएंगे आपको। पहला आता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। पहले लोकसभा के बारे में यहाँ पे दिया गया है दोस्त, क्या दिया गया है कि सांसदों का इसका जो चुनाव होता है सीधे लोगों के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं होता है, यह पता होना चाहिए। जो सांसद का चुनाव होता है सीधे लोगों के द्वारा होता है, जिसको लोकसभा के चुनाव बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर है, ये 5 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा का निर्वाचन जो क्षेत्र है 543 है और 2 जो एंग्लो इंडियन है वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, अगला आता है यहाँ पर राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आता है आपका यहाँ पे अगला पॉइंट जो दिया गया है कि 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। टोटल जो अप्रत्यक्ष यहाँ पे निर्वाचन होता है वो 238 सदस्यों का होता है। ठीक है, और जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट हायर किए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 12 सदस्यों को पूछता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को, और लोकसभा में 2 सदस्यों को, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, ये बोलने वाला चीज नहीं है। अगला आता है निकलकर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, यानी कि यहाँ पे दिया गया है विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, तो याद रखिएगा कैसे चुनाव होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला आता है इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और 2/3 सदस्य यहाँ पे स्थगित होते हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है इस चैप्टर में कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि बिना भंग होने वाली ये अंग है राज्यसभा। जैसे कि पता होगा लोकसभा को राष्ट्रपति की सलाह से वहाँ भंग किया जा सकता है, उसको विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अब आता है यहाँ पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में बस एक ही पॉइंट आपके बुक में दिया गया है कि भारतीय संविधान का औपचारिक जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया जो 543 सांसद क्षेत्र हैं इन्हीं में से जो बहुमत दल के नेता होंगे उसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, लोकसभा के जो कि बहुमत दल के नेता होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अगला निकल कर यहाँ पे आता है आपका कि राष्ट्रपति के सलाह पर प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, बिना राष्ट्रपति के सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता, याद रखिएगा आप लोग।
अगला है, कोई भी व्यक्ति संसद के सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन नहीं बन सकते हैं, 6 महीने के भीतर उनको सांसद का निर्वाचन होना चाहिए। कोई भी अगर पर पुरुष यहाँ पे मंत्री बनते हैं, अगर क्या कोई भी चाहे लोकसभा या राज्यसभा उसके सदस्य नहीं है तो मंत्री बनने के 6 महीना के अंदर अंदर उनको दोनों सदनों में से किसी भी सदनों का सदस्यता होनी चाहिए। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे पूछी जाती है बार बार एग्जामों में कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो याद रखिएगा जो मंत्री परिषद होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये इतनी बार सवाल पूछा गया है कि मतलब इसका गिनती ही नहीं है, इसीलिए यहां पे बहुत क्लियर शब्दों में लिखा गया था आपके किताबों में। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में दिया गया कानून की समझ, इसमें कानून के बारे में बताया गया कि जो संवैधानिक कानून होते हैं, सामान्य कानून होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक कानून है यहां पे। अगला आता है यहाँ पे सामान्य कानून। सामान्य कानून के अंतर्गत में क्या आएगा, जो सार्वजनिक कानून होते हैं, जैसे हो गया जमीन जायदाद का फैसला, फौजदारी कानून, लड़ाई झगड़ा वगैरह, तो ये नॉर्मल कानून यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत कानून हो गया, जो शादी हो गया, ब्याह हो गया, मतलब जो पार्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ फॉलो किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के कानून आप लोग याद रखिएगा चीज। फिर जो इस बुक्स में आपके यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है कि बिहार में 1982 में प्रेस बिल कानून पारित किया गया था। याद रखिएगा कब, प्रेस बिल 1982 में बिहार प्रेस बिल कानून पारित किया गया था। फिर आता है निकल कर चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका 3 स्तर की होती है, पहला जिला या अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हर जिला में एक जो जिला का हेडक्वार्टर जहाँ पे होता है, जिसको समाहरणालय बिहार में बोलते हैं, समाहरणालय कुछ भी मतलब यहाँ पे देख लिख दे दिए हैं, जो डीएम ऑफिस समझ सकते हैं जहाँ पे होता है, वहाँ पे एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है और यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होता है। 3 प्रकार के न्यायालय भारत में कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा विविध विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ। याद रखिएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया, 1987 में पारित किया गया, जिसको जो लागू किया गया था 9 नवंबर 1995 ईस्वी को लागू किया गया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया। क्लास 6 में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि अगर क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको किस स्तर से किस स्तर तक जाने में क्या समझ मतलब होनी चाहिए। अगर के मान चले कोई आप पे लड़ाई झगड़ा का केस हो जाता है तो पहले वहाँ पे थाना में केस लिखवाए जाते हैं, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाया जाता है, किस किस स्थिति में उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वही यहाँ पे बात दिया गया, जो कि मतलब परीक्षा के दृष्टि से उसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं था, जो कि मतलब लगा हमको कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है नो इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सहकारिता में भी सेम चीज है, यहाँ में कुछ भी बुक्स में नहीं दिया गया है ऐसा चीज कि आपका एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट निकल कर आपका आता है यहाँ पे कि खाद्य सुरक्षा के बारे में, चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40% महिलाएं और 30% पुरुष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण का लक्षण पाया जाता है। 30% महिलाओं में, 40% महिलाओं में और 30% पुरुषों में कुपोषण का अर्थ हुआ दोस्तों कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मतलब जो पौष्टिक आहार होता है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, मतलब पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके शरीर में विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, ये सब की कमी जूझते रह रहे हैं, कमी है, तो वो ऐसी स्थिति में वहाँ पे शरीर में एक गजब तरीके का बीमारी होता है जिसको कुपोषण बोलते हैं। इसमें पेट पूरा फूल जाता है और शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल से याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया है कि फसल के लिए पहले से घोषित कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, जो कि सरकार निर्धारित करती है चीज़ों को। खरीद हुए फसल को खाद्य भंडारों में सुरक्षित रखना बफर स्टॉक बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, चाहे पता होगा। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर यानी क्लास एट यहाँ पे समाप्त होता है और कल से यहाँ पे आपका समाप्त होगा क्लास 9 और 1 दिनों में क्लास 10 हो सकता है। कल तक आपका जो सिविक्स का है टोटल का टोटल यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख लेने तक खास आप लोगों के लिए कि आज रात में एक बहुत ही बड़ा बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए घोषित होने वाला है, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए जो कि सिलेक्शन किट है दोस्तों, उस पर भारी छूट और ज़्यादा फ्री में कैसे आप क्लेम कर सकते हैं उसका प्रोसेस बताएंगे, वही रिवील होगा, तो आप लोग जरूर रात में देखिए और उसके फायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।